सो फ्रेंड्स, आज वाली वीडियो में बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता का संरक्षण। इसके अंदर दो टर्म्स आ जाती है, तो स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, बहिस्थानीय संरक्षण यानी अक सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इन सीटू कंजर्वेशन की। तो इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर नाम से ही पता चल रहा है, इन सीटू, इनका अंदर मतलब होता है अंदर, और सीटू का मतलब हो गया आवास या स्थान। मतलब इस संरक्षण के अंतर्गत वो प्लांट एंड वो एनिमल्स आते हैं जिनका संरक्षण होता है, वो उन्हीं के प्राकृतिक आवास में किया जाता है। मतलब जहां पर वो प्रेजेंट होते हैं वहीं पर उसी एरिया के अंदर उनका किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे कि क्या हो गया, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हो गया, राष्ट्रीय उद्यान आ गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। अक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, अक्स सीटू कंजर्वेशन नाम से पता चल रहा है, अक्स का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर, सीटू का मतलब आवास या स्थान, मतलब बाहर की ओर इनका। तो इसमें क्या है कि इस संरक्षण के अंदर उन प्लांट्स, उन पादपों और उन एनिमल्स, जंतुओं का कंजर्वेशन, संरक्षण किया जाता है, या ना उनका जो प्राकृतिक आवास होता है उसके अंदर नहीं किया जाता है, उनको कहीं और ले जाते हैं, या मतलब जो कृत्रिम आवास होते हैं वहां पर उनका क्या किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है। मतलब किसी और स्थान से लाएंगे और वहां पर उनको, जैसे चिड़ियाघर अपने होते हैं, उनको क्या किया जाता है, वहां पे कंजर्वेशन किया जाता है। जैसे वनस्पतिक उद्यान आ गया, जंतुआलय आ गया, जीन बैंक आ गया, संरक्षण अड्डे वगैरह हो गए। तो ये थी छोटी सी वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको देखने के मिलेगी। और कमेंट में जरूर बताइए आपको किस टाइप का टॉपिक पे वीडियो बनानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या कुछ करना है, तो अपन सबकी बात करेंगे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।